लगभग 11 साल पहले आंदोलन से उत्पन्न हुई एक पार्टी जिसने अपना नाम आम आदमी पार्टी रखा और ये जाहिर करने की कोशिश की ये आम लोगों की एक पार्टी रहेगी। आज 11 साल में उनकी पोल खुल चुकी है, उनकी फाउंडेशन जो मजबूत एक फाउंडेशन उन्होंने रखी थी, आज उस फाउंडेशन के मुख्य जो लोग हैं वो उसमें से निकल के जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो फाउंडेशन है वो वीक हुई है, लोगों का विश्वास उनसे उठा है और वही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस की विचारधारा में बहुत सारे जो साथी हैं भाई अभिषेक जी के नेतृत्व में आज फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, इस अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, मैं समझता हूं कि उन सभी उम्मीदों पर कांग्रेस खरा उतरने का काम करेगी। भाई अभिषेक जी ने लगातार क्षेत्र में काम किया है, लोगों के बीच गए हैं, लोगों से अपना संपर्क साधा है और उसका बड़ा कारण है कि आज हमारे बहुत सारे साथी जो कहीं ना कहीं फाउंडर मेंबर्स थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होने का काम किया है। मैं पहले कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक सपना दिखाया था कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे। आज दुख होता है कि लगभग 16 से 17 विधायक आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों में जेल की हवा खाकर आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। आज दुख इस बात का होता है कि आज उनके स्वयं के मुख्यमंत्री जो कभी कहते थे कि अगर कोई आरोप लगता है तो उसको उस व्यक्ति को उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक वो निराधार साबित नहीं हो तब तक वापस से उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, आज लगातार अपनी कुर्सी पे चिपके हुए हैं। इनके मंत्री हों, इनके उप मुख्यमंत्री हों, वो भ्रष्टाचार के मामले में लगातार जेल की हवा खाते रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं उनका जो मुखौटा था वो हट गया है, उनका असली चेहरा सामने आया है और हर चीज़ में अगर आप उठा के देखेंगे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार आपको नजर आता है।